अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में देखेंगे कि किस तरह हमने OEX को अपडेट करना और चेक करना है कि हमारा जो OEX का एड्रेस था, जो हमने स्टोशी हमें सबमिट किया था, वो लगा नहीं लगा, और कुछ न्यू इसमें मज़ीद अपडेट्स हैं वो कवर करना है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से हमने क्या करना है, ये वाला वर्जन करना है, ये गिटअप वाला, ठीक है ना, क्योंकि ये अपडेटेड, ये देखें 0.19 और ये 0.3 है, तो आपने ये वाला वर्जन इंस्टॉल करना। ठीक है, पहले डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा मर्जर डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये इसका लेटेस्ट वर्जन है 0.3, जो हमारा पहले वाला वो हमारे पास 0.26 है, जिसमें मतलब अब एड्रेस हमने सबमिट किया था। अगर आपने एड्रेस अभी तक सबमिट नहीं किया तो आप कर सकते हैं, क्योंकि 10 तारीख तक इसका लास्ट डेट है, तो 10 मई के बाद मे भी ये दोबारा डेट एक्सटेंड ना करें। तो यहाँ पर हमारे पास ऐप डाउनलोड हो रही है, तो आपने क्या करना है, जो आपके 12 फ्रीज की है ना, वो सेव कर लें, क्योंकि वो आपका सब कुछ है। 5 साल के लिए आपको एयरड्रॉप चलेगा, 5 साल आपको हर मंथ ही आपको एयरड्रॉप मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने वो 12 वर्ड खो दिए तो समझो आपका तो वो टाटा बाय बाय फिश यहीं पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऐप डाउनलोड होगी, मैं सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक कर लेता हूँ। तो इंस्टॉल पर हम क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके पास अपडेट का ऑप्शन आएगा, आपने क्या करना, अपडेट का कर लेना, क्योंकि हमारे पास इंस्टॉल पहले हुई है। यहाँ पे आप देख लेते हैं इंस्टॉल पे, तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास ना इशू ऐप नोट इंस्टॉल्ड एज पैकेज कॉन्फ़िगर्ड विद एन एग्जिस्टिंग ऐप। अब इसका हल क्या है, इसका ये कि आप सिंपली आप डन पे करें। डन पे आने के बाद हम वापस चले जाते हैं, ये जो आपके पास पहले वाली ऐप्स है ना, ये आपके पास ऐप, इसको आपने क्या करना है, अनइंस्टॉल कर लेना। लेकिन अनइंस्टॉल करने से पहले आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, आपने उस चीज़ को लाजमी इंश्योर कर लेना। मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लॉगिन वगैरह कर ले। तो मैं देखिए जैसे आप इसको साइन इन कर लें, साइन इन करने के बाद अब आपने क्या करना है, नीचे जो आपका लास्ट ऑप्शन, मैं दोबारा यहाँ पर ये देखो, ये जो आपका लास्ट ऑप्शन सेटिंग वाला, आपने यहाँ पर जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, बैकअप पे क्लिक कर लेना है, बैकअप पे क्लिक कर लें। बैकअप क्लिक करने के बाद ये जो आपके 12 फ्रेज वर्ड है ना, ये आपने सेव कर लेने, किसी जगह सेव कर लें। सेव करने के बाद अब हमने क्या करना है, इस ऐप को नहीं, यहाँ से ना अनइंस्टॉल कर देना। मैं इसे अनइंस्टॉल कर लेता हूँ, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे से दबा के रखना। दबा पर रखने के बाद यहाँ पे आपके सामने ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मैं इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ। आपने क्या करना है, इसे अनइंस्टॉल कर देना है, मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये भी अब आपने क्या करना है, वापस यहीं पे आ जाएंगे अपने क्रोम ऐप में। क्रोम ऐप में आने के बाद अब आप क्या करोगे, इसे इंस्टॉल करोगे, तो अब आपका ये जो वर्जन है इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं इसका वेट थोड़ी देर, यहाँ पे इंस्टॉल, इंस्टॉल पे अब यहाँ पे देखिए अब आपके पास अपडेट नहीं बल्कि इंस्टॉल आ रहा है। ठीक है, सिंपली हम इंस्टॉल पर क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लें, ये आपको टोटली नया वर्जन आएगा, क्योंकि पहले वाला वर्जन आपके पास प्ले स्टोर, तो ये वाला आपके पास गिटअप है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप गिटअप वाला वर्जन यूज़ करें। यहाँ पे देखें अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसे ओपन कर लें, ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अब आपने यहाँ पे इसे साइन अप नहीं करना, पहले इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट क्या करना है, वही जो आपके पास पहले वाला अकाउंट था वो आपने इसमें इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ इसके ओपन होने का। तो यहाँ पे देखिए ये ओपन हो, ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ना यहाँ पे दो ऑप्शंस आ चुके हैं। ठीक है, पहला आपके पास ऑप्शन है साइन अप का और दूसरा ऑप्शन है आपके पास ये इंपोर्ट का। अब हम जो ऑप्शन यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे इंपोर्ट का, हमने साइन अप नहीं करना। ठीक है, इंपोर्ट क्या करना है, जो हमने पहले 12 फ्रेज वर्ड लास्ट अपनी पहले वाली ऐप से सेव किए थे वो यहाँ पर इंपोर्ट करना। ठीक है, इंपोर्ट में आने के बाद यहाँ पर आप 12 फ्रेज वर्ड डाल दें, उसके बाद आपने क्या करना, नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद आपने आगे वो पिन सेट कर लेना। मैं यहाँ पर फ्रेज की डाल ले, तो जैसे आप अपना इंपोर्ट कर लेंगे, अपने अपने वही रिकवरी फेज लगाने, 12 वर्ड्स के लगाने के बाद आगे आपने पिन अपना सेट कर लेना। पिन सेट करने के बाद आपको इस तरह लोडिंग करना हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारा वो लग चुके रिकवरी फेज हमने लगाया, तो हमारे सामने आप स्क्रीन इस तरह है। यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे हमारे पास आता था OEX लॉन्ग टेस्ट नेट आता, अब यहाँ पे देखिए आपके पास कोर का मेन नेट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी चीज़ें वो है, लेकिन अभी आपका डायरेक्ट जो ओपन होता है कोर का मेन नेट ओपन है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर जो वेरीफाई करने का तरीका कि हमारा एड्रेस लिंक हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए क्या करना है, आपने हब पे आ जाना है। ठीक है, हब पे आ जाना है। अब पे आने के बाद यहाँ पे देखिए अब आपके पास जो चीज़ें ना वो मिनिमम होगी। ठीक है, नहीं इतनी ज़्यादा नहीं, ये वाली सारी चीज़ें खत्म होगी, क्योंकि ये टेस्ट नेट में था। अभी भी आप टेस्ट नेट मोड पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा। अब हम AGX में क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारा माइनिंग सिस्टम है, जो कि हमारा OEX माइन हो रहा है। अब चलते हैं हम यहाँ पर OEX में, तो ये यहाँ से आपका वेरीफाई होगा कि आपका लगा कि नहीं। यहाँ पे देखिए अगर आपने इसी वॉलेट का यहाँ पे एड्रेस सबमिट किया था तो यहाँ पे देखिए आपका ये टिक लग जाएगा। टिक लगने के बाद यहाँ पे देखिए आपके जो स्टोशी ऐप में पॉइंट्स हैं वो भी ओरिजिनल शो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपके नीचे वाले पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपके जो यहाँ पर इस ऐप के अंदर माइन कर लें OGX में। ठीक है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर जाएँ तो ये वाले पॉइंट आपके ये वाले, ठीक है ना, जो आप इधर से माइन करो। ठीक है,
अब अगली बात आती है ओ ई एक्स में जाएँ तो यहाँ पे देखिए ओ ई एक्स पॉइंट, ये क्या चीज़ है, ये आपको बाद में जो ईयर ड्रॉप मिलेगा वो पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना। और अभी तक इसका कोई कंक्लूजन नहीं है। अब मैं आपको चेक करा देता हूँ वाकई क्या मेरे उधर भी यही ऐप में बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली अपनी ऐप ओपन कर लेंगे। मैं अपनी ऐप ओपन कर लेता हूँ। तो ऐप ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो नीचे मी है ना, ये नीचे आपने मी के ऑप्शन में चले जाना, ठीक है। आपने नीचे यहाँ पे मी पे जाना है। मी पे जाने के बाद आप यहाँ पे ये जो आपका ये आपके एसेट्स इधर जाना है। एसेट में जाने के बाद यहाँ पे आप देखें ओ ई एक्स में, तो यहाँ पे देखिए अभी मेरे यहाँ पे देखें 1013, और इधर भी आप देख लें कि दोनों तरफ मेरे सेम हो गए 1013। तो यहाँ पे देख लें दोनों तरफ सेम है, और यहाँ पे देखें मेरे पास सब के आगे जो है ना ग्रीन टिक लग चुका, ठीक है। तो अगर आपका ये ग्रीन टिक लग चुका है तो इसका मतलब ये कि आपका टोटली सब कुछ सेट हो चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ ज़रूरत नहीं और करने की, ना ही आपको ड्रेस लिंक करने का। अब बात आती है उन लोगों को जिन्होंने यहाँ पे मेटामास्क का वॉलेट दिया था। मेटामास्क वालों को क्या करना है कि उन्होंने सिंपली जो आपका मेटामास्क का वॉलेट था वो आपने क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है, ठीक है। आपने लेटेस्ट ऐप डाउनलोड करना, लेटेस्ट ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने अपना यहाँ पे वॉलेट इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये ग्रीन टिक लगा होगा, ठीक है ना। अगर आपका वॉलेट एड्रेस सक्सेसफुली बाइंड हुआ होगा वो, तो आपका ये वाला ग्रीन टिक होगा। ये आपका नहीं होगा क्योंकि आपने जाहिर सी बात इसमें बाइंड नहीं होगा। तो ये अब जब आप ये माइनिंग स्टार्ट करोगे तो ये भी टिक हो जाए, ये आपका वैसे टिक हो जाए, ठीक है। तो मेटामास्क वालों को ये कि वो चेक कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू उनका वॉलेट एड्रेस बाइंड हुआ है कि नहीं हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट मिनट, तब तक रहला।